आगरा क्लब में बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा की जनरल एनुअल मीटिंग हुई। मीटिंग में सत्र 2024-25 में एसोसिएशन द्वारा नगर में बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिताओं की तैयारी पर चर्चा की गई। आगरा क्लब में बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा की जनरल एनुअल मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग में सत्र 2024-25 में एसोसिएशन द्वारा नगर में बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिताओं के बारे में चर्चा की गई। मीटिंग की अध्यक्षता कर रही एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बीना लवानिया ने कहा कि एसोसिएशन पिछले 11 सालों से शहर में बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए कार्य कर रही है। एसोसिएशन इन वर्षों में कई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित कर चुकी है। आगरा बैडमिंटन एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग थी और आज बहुत खुशी की बात है, अनाउंसमेंट हुई है कि आगरा को UPBA ने दो स्टेट इवेंट्स दिए हैं। एक अंडर 19 है जो कि आपका अक्टूबर में हो रहा है और वेटरन्स स्टेट चैम्पियनशिप भी हमको मिली है जो कि जनवरी में होने जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमारे यहाँ पे आगरा में इवेंट्स हो रहे हैं। ये पिछले साल का जो खर्चा और वो हुआ था, ये सब चीज़ें इसमें हमने दिखाई थी ये मीटिंग में, और आगे जो टूर्नामेंट होने हैं उन सबका ब्यौरा दिया है। और इसमें हमें दो UP स्टेट और एक नेशनल मिला हुआ है। लगभग ये 9 टूर्नामेंट हमारे आगरा में होने हैं। आगरा क्लब में आयोजित मीटिंग में सचिव राहुल पालीवाल ने सत्र 2023-24 में एसोसिएशन के क्रियाकलापों का लेखा जोखा सदस्यों के सामने रखा। मीटिंग में मौजूद एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य दीपक माहेश्वरी ने बताया कि एसोसिएशन हमेशा खेल की बेहतरी के लिए काम करती है। देखिए, ये बैडमिंटन एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग थी एंड हमारे जितने भी एसोसिएशन के मेंबर हैं वो यहाँ पर आगरा क्लब में उपस्थित हुए। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एनुअल जनरल मीटिंग में एक तो हम लोग ये प्लान करते हैं कि किस किस तरीके से नेशनल टूर्नामेंट और स्टेट लेवल के टूर्नामेंट आयोजित किए जाएं, क्योंकि आगरा एक ऐसी जगह है जहां से नेशनल लेवल के बच्चे निकले हैं और स्टेट लेवल के भी बच्चे निकले हैं। तो यहां पर हम लोगों का यही प्लान है कि किस तरीके से आगरा की जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको नेशनल और स्टेट लेवल पर लेके जाया जाए। और आगरा और आसपास के खिलाड़ियों के लिए कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। आगरा बैडमिंटन एसोसिएशन ने आने वाले वर्ष के लिए अपनी प्रतिबद्धता और अपनी प्लानिंग आज तय करी है इस मीटिंग के द्वारा। और जैसा कि इस मीटिंग में बताया भी गया कि दो मेजर रैंकिंग टूर्नामेंट्स आगरा को इस वर्ष में मिले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आगरा शहर के लिए। सभी लोग मिलकर, अध्यक्ष बीना लवानिया जी, विनोद सीतरानी जी, राहुल पालवल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्लेयरों को मोटिवेट कर रहे हैं। इतने टूर्नामेंट हो रहे हैं तो जरूर आगे प्लेयर निकलेंगे आगरा से। आगरा क्लब में आयोजित मीटिंग में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बीना लवानिया ने एसोसिएशन की सदस्यता लेने वाले लोगों का स्वागत किया। अजय बहादुर, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।